हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस पैक जो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और ये पैक आपकी स्किन को सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा और ये आपकी स्किन को लाइटन वाइटन करेगा और आपकी स्किन को रेडिएंट और क्लियर बनाएगा। और साथ ही साथ ये पैक आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को ठीक करेगा। और अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करके आपको एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन देगा। और गाइज, अगर आपकी स्किन पर टैनिंग हो गई है तो वो भी इस पैक से ठीक हो जाएगी और आपकी स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। और ये आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा। और इसको बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हमें हमारे घरों में अवेलेबल होते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें 4 पीसेस पपाया के लेने हैं। और गाइस, पपाया में पोटेशियम होता है जिससे स्किन की ड्राइनेस दूर होती है और स्किन मॉइस्चराइज रहती है। और पपाया में पेपेन होता है जो डेड स्किन सेल और डस्ट को रिमूव करता है हमारी स्किन से और डार्क स्पॉट्स को हटाकर स्किन को क्लियर करता है। उसके बाद हमें मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी। मिल्क पाउडर में विटामिन ए, सी और लैक्टिक एसिड प्रॉपर्टीज हैं जिससे स्किन हेल्दी रहती है। उसके बाद हमें चाहिए रोज वाटर। रोज वाटर स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। इसमें 5.6 का पीएच लेवल स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो स्किन को फ्रेश रखने में हेल्प करती है। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक को कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो हमने 4 पीसेस पपाया के लिए थे हमें उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रोज वाटर। और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब गाइज, हमारा पैक रेडी हो चुका है। गाइज, हमें इस पैक की कंसिस्टेंसी मीडियम रखनी है ताकि हम इसे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर पाए। अब हमें इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। और गाइज, आप इस पैक को अपनी पूरी बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। पर इस पैक को लगाने के बाद आप इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें और फिर नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। तो गाइज, आप इस पैक को जरूर ट्राई कीजिए, यह आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। और गाइज, अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 2 to 3 times जरूर ट्राई कीजिए। आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन फेयर और ग्लोइंग बनेगी। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।